जब हम बिहार में आते हैं तो हमारा सबसे पहला कर्तव्य बनता है कि हम त्रिशरण पंचशील ग्रहण करें और वंदना करें। हम सभी बौद्ध जन अपना विहार अपनी आवाज। नमो बुद्धाय, जय भीम। दर्शकों, मैं विक्रम कुमार एक बार फिर से आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आप ही के मनपसंद कार्यक्रम जिसका नाम है अपना विहार अपनी आवाज। तो दर्शकों, हम हैं छत्तीसगढ़ के बसंतपुर इस परिसर में और ये परिसर आता है राजनांदगांव में और इस परिसर के विहार का नाम है धम्मकीर्ति बुद्ध विहार, यानी कि हम हैं धम्मकीर्ति बुद्ध विहार जो आता है बसंतपुर राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में। इसके पहले भी कल आपको हम वो विहार दिखा चुके, पहला छत्तीसगढ़ का राजनांदगांव का, और राजनांदगांव का ही दूसरा विहार ये है। तीसरा विहार और चौथा विहार भी आपको कल परसों में देखने को मिल जाएगा। तो अभी ये क्या खासियत रखता है ये धम्मकीर्ति बुद्ध विहार और क्या क्या खूबियाँ इस विहार की, किस तरह से यहाँ पे उपासक उपासिकाएं वंदना करते हैं, किस तरह से धम्म का कार्य चल रहा है, ये सब अब हम जानेंगे। शुरू करते हैं आज का अपना विहार अपनी आवाज़ का ये प्यारा सा सफ़र। दर्शकों, एक बार फिर से समय हो गया है सभी के साथ त्रिशरण पंचशील ग्रहण करने का, तो आइए आप भी हमारे साथ मिलकर त्रिशरण पंचशील हमेशा की तरह ग्रहण करें। Shut up.
धम्म कीर्ति बुद्ध विहार का संरक्षक हूँ कन्हैया लाल खोबरागढ़। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि यह जो वसंतपुर का धम्म कीर्ति बुद्ध विहार है, इसकी नींव 19 मई 1965 को डाली गई थी। और लोग जैसा कि अपने अपने बिहारों का छत्तीसगढ़ का पहला बुद्ध विहार बताते हैं, लेकिन मुझे अच्छी तरह ख्याल है कि छत्तीसगढ़ में धम्म कीर्ति बुद्ध विहार जो बसंतपुर में बना वो पहला बुद्ध विहार है। उसके बाद छत्तीसगढ़ में जो दूसरा बुद्ध विहार का नींव डाली गई वो यहाँ से करीब करीब 70 किलोमीटर जंगल के क्षेत्र में है, जिसका नाम कुर्चा टोला है। वहाँ 4 मई 1966 को नींव डाली गई। इस तरह ये दो बुद्ध विहार जो हैं बहुत प्राचीन हैं। आपको ये बता देना चाहूँगा कि इस बुद्ध विहार का नाम धम्म कीर्ति इसलिए पड़ा कि वो जो चित्र सामने दिख रहा है धम्म कीर्ति जी का, ये भंडारा के कुर्सी पार के रहने वाले थे और इन्होंने बाबा साहब के धम्म दीक्षा के बाद भिक्षु का जीवन अपनाया। 16 मार्च 1958 के भिक्षु बने और 59 से यहाँ पर आने का उनका कार्यक्रम हमारे यहाँ चलते रहा, जो सतत लगभग 18 से 20 साल वो यहाँ पर आते रहे। जब भी आते रहे तो इधर से जो दान मिलता था उस दान की राशि में से सिर्फ सारनाथ जाने के लिए ज़्यादा उस समय टिकटें बहुत सस्ती थी तो 25-30 रुपये रखते थे। बाकी इस धम्म कीर्ति बुद्ध विहार के हमारे जो कार्यकर्ता थे, मैं फाउंडर मेम्बर हूँ यहाँ का, तो मेरे साथ बहुत लोग थे, वो तो अब इस दुनिया में नहीं है बेचारे लोग, तो पैसा छोड़ कर जाते थे। तो सने यहाँ के नागरिकों ने इस बुद्ध विहार की नींव डाली और यहाँ सारा लेबर एरिया था। पहले जिस समय ये बुद्ध विहार की नींव डली तो मजदूर ही मजदूर थे, एक भी शासकीय कर्मचारी यहाँ पर नहीं था। ऐसी स्थिति में कपड़ा मिल में काम करने वाले सारे मजदूरों ने श्रमदान करके और दान देकर धम्म कीर्ति बुद्ध विहार को खड़ा किया। मैं देवपाल रामटेके, अध्यक्ष धर्म कीर्ति बौद्ध विहार बसंतपुर। मैं समाज के द्वारा सर्वसम्मति से 2016 को मेरे को अध्यक्ष पद से नियुक्त किया गया है और मेरा ये समाज के द्वारा सर्वसम्मति से तीसरा कार्यकाल चल रहा है। मैं जब संभाला तो इस बौद्ध विहार की स्थिति बहुत ही अच्छी नहीं थी कि उसके जितना भी आप इस विकास देख रहे हैं ये मेरे द्वारा किया गया है। इसके पहले ये बुद्ध विहार वो पीछे है एक मंच के पास, वहाँ पे था। यहाँ का जितना भी सर्वांगीण विकास आप देख रहे हैं, मैं समाज की सहयोग से यहाँ तक पहुँचा हूँ और जिस बुद्ध विहार में आप लोग बैठ रहे हैं वे सब के सहयोग से मैंने ये सहयोग मतलब इसका विकास कराया हूँ। आगे भी मैं समाज के सहयोग से ये कार्य करता रहूँगा। मेरा नाम मिलिंद कुमार शिंदे, सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। ये जो परिसर बना हुआ है बौद्ध विहार, हमारे बुजुर्ग कन्हैयालाल जी खोबरागढ़े और हमारे समिति के वर्तमान अध्यक्ष आदरणीय देवपाल रामटेके जी, इनके द्वारा इस बुद्ध विहार का विकास हुआ है और मैं इन दोनों से विनम्र विनती करता हूँ कि आने वाले समय में बच्चों के लिए छात्रावास वाचनालय बनाने का प्रयत्न करेंगे, ऐसी मेरी इच्छा है। दर्शकों, ये उपासक उपासिकाएं तैयार हो चुके हैं सवाल जवाब के लिए। अब मैं ज़्यादा घूमूंगा नहीं, मैं एक ही जगह पे खड़ा रहूंगा और यहाँ पर ही सबको बुलाने का प्रयास करूंगा। मेरे सवाल आसान होंगे, सिर्फ सवाल का जवाब इन लोगों को देना है, देखना है क्या होता है। चलिए, आप सब लोग तैयार है? क्या आवाज़ से लग रहा है दर्शकों तैयार है क्या? हाँ, वो VR में भी ऐसे ही हुआ था लेकिन पहले आवाज़ थोड़ा ज़्यादा है। चलो ठीक है, मेरा पहला सवाल, अप्रैल माह में बाबा साहब के अलावा कौन से महापुरुष की जयंती आती है और किस तारीख को आती है? एक हाथ ऊपर हुआ है, आ जाए। जय भीम। आपका परिचय दें। मेरा नाम शारदा मिश्राम जी, बताएं जवाब। ज्योतिबा फुले, 11 अप्रैल। महात्मा ज्योतिबा फुले
क्रांति सूर्य 11 अप्रैल अप्रैल 11 अप्रैल इन्होंने कहा है। मैं आपको बता दूं कि एक हाथ ऊपर हुआ था, बड़ी उम्मीद थी हमको कि आप सही जवाब देंगी, लेकिन आपने तो सही जवाब दे दिया। अरे सही जवाब दिया, जोरदार था। मैंने भी तो बोला भाई सही दिया, सिर्फ एक्सप्रेशन अलग दिए है। खैर कोई बात नहीं, बिल्कुल सही जवाब है। क्रांति सूर्य महात्मा ज्योतिबा फुले, 11 अप्रैल को इनकी भी जयंती आती है। बाबा साहब ने हमें 22 प्रतिज्ञाएं दी थी, ठीक है, इनमें से 7 नंबर की प्रतिज्ञा कौन सी है? एक भी हाथ ऊपर नहीं हुआ है, कोशिश कीजिए। यहाँ पे लिखी हुई नहीं है, टेंशन मत लीजिए, मैंने पहले ही देख लिया था। चलिए मैं जवाब दे देता हूँ। मैं बौद्ध धम्म के विरुद्ध और विसंगत कोई भी आचरण नहीं करूँगा, ये 7 नंबर की प्रतिज्ञा उन्होंने दी है। और इसका मतलब ये था 7 नंबर देने का कि इसे आत्मसात कीजिए और आचरण में लाइए। 22 प्रतिज्ञा में कि यही एक ऐसी प्रतिज्ञा है कि जिसका इसका अगर आप पालन कर लो तो बाकियों का भी पालन अपने आप हो जाता है, क्योंकि ये प्रतिज्ञा ही वैसी है, अगर आप नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं वो विरुद्ध या विसंगत हो जाएगा। बाबा साहब का जन्म कहाँ हुआ था? बच्चों के लिए सवाल है, बाबा साहब का जन्म कहाँ हुआ था, पता है किसको बच्चों को? ओके, नहीं पता है, चलिए बड़ों में से किसी को पता है। आ जाइए। जय भीम। जय भीम, आपका परिचय दें। मैं श्रीमती वंदना बोरकर जी, बोलिए जवाब। मध्य प्रदेश के महू जिले में। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, बिल्कुल सही जवाब है। हमें बच्चों को ये चीज़ें सिखानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बड़े बच्चे भी है, छोटे बच्चे भी नहीं है, इनको हमें बताना है, ज़रूरी है, क्योंकि जो अपना इतिहास भूल जाते हैं फिर वो इतिहास नहीं बना पाते हैं, ये बाबा साहब ही ने कहा था। चलिए, बाबा साहब को भारत रत्न पुरस्कार कौन से वर्ष में प्रदान किया गया था? जय भीम। जय भीम, आपका परिचय दें। मेरा नाम आकाश श्रीरंगे है और मेरा जवाब ये है कि 1991 में कहा है, लेकिन आपका जवाब गलत है दोस्त। ओके, और कोई? अभी याद आ गया, 1990 बोल रहे हैं, चलिए अभी इनका पूछने दिए, बोलिए। 1990, ये 91, 90, फिर कोई और आएगा, अभी कन्फर्म जवाब बताइए क्या है। 1990। अभी आपको भी याद आ गया, इनकी भी याददाश्त आ चुकी है। तो दर्शकों मैं बता दूं, 1990 बिल्कुल सही जवाब है, जोरदार दोनों के लिए तालियां। महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध जब तपस्या करने के लिए गए तो जिस सारथी ने उसे गांव की सीमा तक छोड़ा था, उस सारथी का नाम क्या था? जय भीम। जय भीम, आपका परिचय दें। मेरा नाम है लक्ष्मा, श्रीमती लक्ष्मा गजबी है जी। बताइए जवाब। बुद्ध भगवान जब गए तो छंदक के साथ गए। क्या नाम था? छंदक। छन्न छंदक 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 ये पक्का? चलिए ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है, जोरदार ताली। छन्न भी बोलते हैं बहुत जगह पे और यहाँ पे ये कहा जाता है। खैर चलो, सवाल जवाब मैं यहीं रोकता हूँ, वक्त है आगे बढ़ने का, आइए बढ़ते हैं आगे। दर्शकों शुरू करने जा रहे हैं यहाँ से वही गेम, जिस गेम का हर रात आप करते बेसब्री से इंतजार, जिस गेम से आप सभी को है ढेर सारा प्यार, जो गेम सबको लगता है अपना, जो गेम खेलने का हर रात आप देखते हैं सपना, और उस गेम का नाम है भीम का दीवाना। दर्शकों वो वहां तक, अश्विन जी एक बार आप दिखा दें वहां तक, यो जो आखिरी की उपासिका जी खड़ी है वहां तक, ये हमारे उपासक उपासिका एक खिलाड़ी के रूप में भीम का दीवाना ये गेम खेलने के लिए मेरे साथ मौजूद है। अब दर्शकों जो दर्शक देख रहे हैं, मैं बता देता हूँ हमेशा, मुझे पता है आपको पता है, लेकिन जो दर्शक पहली बार देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि ये गेम है कैसे। बड़ा आसान गेम है, इन सबको मेरी तरफ देखकर जय भीम 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 कहना है। इस बीच इनसे मैं हाथ पैर नाक कान सर
इनमें से कोई भी एक बॉडी पार्ट को छूने के लिए कहूँगा, उन्हें मेरे कहते से ही करके दिखा देना है, बस हो गया। जो कहते से ही कर देगा वो हमारा विनर कहलाएगा। क्या कहा, ट्रायल ले लूँ? हाँ, ट्रायल लेना बहुत ज़रूरी है, एक ट्रायल ले लेते हैं अपन। ओके, सर को हाथ लगाइए। ओके, नीचे बैठे हुए लोग मत कीजिए, आपके लिए नहीं है। ओके, आपके लिए नहीं है, इनके लिए, आप जज हो अभी, आपने मौका खो दिया है वो। चलिए, ओके दर्शकों, इन सबको मैंने सर छूने के लिए कहा था और सबने छूकर दिखा भी दिया है। दर्शकों, इन्होंने सर को छूकर ये साबित कर दिया है कि यहाँ से लेकर वहाँ तक किसी को भी कोई भी मेंटली प्रॉब्लम नहीं है। सब लोग दिमागी रूप से विकसित हैं, मस्त हैं और ऐसे ही रहे मैं कामना करता हूँ। अब देखना ये कि गेम शुरू होने के बाद होता क्या है, क्या क्या वही होगा जो होता है या कुछ नया होगा। आइए आप भी देखिए, हम भी देखते हैं, इनको नहीं बताते क्योंकि ये पहली बार कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं भीम का। अब आप सबको मेरी तरफ देखकर जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम बोलना है और आपका समय शुरू होता है अब। पकड़िए पैर, पैर बोला और सबने कान पकड़े। ये अभी भी कान पकड़े खड़े हुए हैं। सबको पैर पकड़ने के लिए कहा और सबने क्या किया, इसका मतलब दर्शकों वही हुआ है जो सालों से होता आया है और हर विहार में होता आया है और आगे भी यही होता रहेगा। कोई भी विनर नहीं है। दर्शकों, खास बात यह है कि इनमें की ये मैडम जो है ये पिछले विहार में भी थे, इनको लगा कि ये विहार में जाके मैं जीत जाऊंगी, लेकिन वहाँ पर भी कुछ नहीं हुआ और यहाँ पर भी कुछ नहीं हुआ। इसकी वजह एक ही है कि हम सब बाबा साहब को बेहद प्यार करते हैं, क्योंकि जब भी हम, चाहे कभी भी बुलवा ले लीजिए, जब भी हम जय भीम बोलते हैं ना, यहाँ से बोलते हैं, और जब जय भीम दिल से निकलता है दर्शकों, तो ना कुछ दिखाई देता है ना कुछ सुनाई देता है। यही होता आया है और यही होता रहेगा। इसीलिए तो मैं कहता हूँ दर्शकों कि मैं हूँ भीम का दीवाना और ये सारे बन गए भीम के दीवाने। बढ़ते हैं आगे। दर्शकों, ये बच्चों का गेम शुरू कर रहे हैं। यहाँ से ये हमारी रेलगाड़ी है पूरी की पूरी, ये आखिरी डिब्बा। दर्शकों, ये बच्चे मेरे साथ मौजूद हैं उस गेम के लिए जो गेम बच्चों की एकाग्रता शक्ति बढ़ाने के लिए हमने शुरू किया है, लेकिन मैं हमेशा की तरह नाम भूल गया हूँ। आइए बच्चों से पूछते हैं इसका नाम क्या है, गेम का नाम क्या है। बस 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 बस, मुझे याद आ गया, गेम का नाम है नागपुर कानपुर। हाँ, ये वो वाला नागपुर कानपुर नहीं है, ये वाला नागपुर है और ये वाला कानपुर है। अब ये गेम कैसे, मैं आपको बता देता हूँ, बड़ा ही आसान है। बस यूं करना है, यूं करना है, यूं करना है, यूं करना है और ये इंस्टेंटली करना है। अब ये कैसे करते हैं आइए देखते हैं। रेडी, अब देखिए मैं बोलता हूँ ऐसे करिए, ऐसे करिए। ओके, नीचे, फिर ऐसे, फिर नीचे, अब फास्ट फास्ट करो, फास्ट जल्दी, फास्ट जल्दी जल्दी, फास्ट जल्दी, फास्ट तुड़ 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 जल्दी, ये इसका तो पेट्रोल ही खत्म हो गया, जल्दी फास्ट। ये देखो यहाँ के ही चला रहा है वो, यू जल्दी जल्दी फास्ट, नागपुर कानपुर। इनका कुछ हो नहीं सकता, इनको हमेशा की तरह हम इन्हीं के हाल पर छोड़ते हैं। वक्त है आगे बढ़ने का, आइए बढ़ते हैं
आगे। एक बार फिर वक्त हो गया है वही शपथ दोहराने का जो हर विहार में हम लेते आए हैं। शपथ लेने के लिए सभी मेरी तरह इस तरह आगे हाथ करें और जो मैं कहता हूं मेरे साथ दोहराए। हम सभी बौद्ध जन बाबा साहब के अनुयायी मिलकर ये शपथ लेते हैं। हम सब परिवार हर रविवार और छुट्टी के दिन परिसर के विहार में जाएंगे। वहां वंदना करेंगे, यथाशक्ति धम्मदान करेंगे, साथ ही एक दूसरे के सुख और दुख में मिलकर शामिल होंगे। आवाज इंडिया टीवी के माध्यम से हम सब मिलकर ये शपथ लेते हैं। नमो बुद्धाय, जय भीम। हाथ नीचे करें। दर्शकों, उम्मीद करता हूं ना सिर्फ आपने शपथ ली होगी बल्कि इसका पालन भी आप कर रहे होंगे और आगे भी करते रहेंगे, साथ ही साथ इसके लिए औरों को प्रेरित और जागृत भी अवश्य करेंगे। बढ़ते हैं आगे। आवाज इंडिया टीवी को विज्ञापन देकर मैंने जिम्मेदारी निभाई, क्या आपने निभाई? आवाज इंडिया टीवी को एड देकर मैंने जिम्मेदारी निभाई, अब आपकी बारी। आवाज इंडिया टीवी को एड देकर हमने जिम्मेदारी निभाई, क्या आपने निभाई? आवाज इंडिया टीवी को एड देकर हमने जिम्मेदारी निभाई, अब आपके बारे। आवाज इंडिया टीवी को विज्ञापन देकर मैंने जिम्मेदारी निभाई, अब आपकी बारी। आवाज इंडिया टीवी को एड देकर मैंने जिम्मेदारी निभाई, अब आपकी बारी। आवाज इंडिया टीवी को विज्ञापन देकर मैंने जिम्मेदारी निभाई, अब आप भी निभाइए। आवाज इंडिया टीवी को विज्ञापन देकर मैंने जिम्मेदारी निभाई, अब आप भी निभाइए। आवाज इंडिया टीवी को विज्ञापन देकर मैंने जिम्मेदारी निभाई, अब आपकी बारी। आवाज इंडिया टीवी को विज्ञापन देकर मैंने जिम्मेदारी निभाई, क्या आपने निभाई? आवाज इंडिया टीवी को विज्ञापन देकर मैंने जिम्मेदारी निभाई, अब आप भी निभाइए। आवाज इंडिया टीवी को विज्ञापन देकर हमने जिम्मेदारी निभाई, अब आपकी बारी। आवाज इंडिया टीवी को ऐड देकर हमने जिम्मेदारी निभाई, क्या आपने निभाई? तो दर्शकों, ऐसा प्यारा सा विहार था ये धम्मकीर्ति बुद्ध विहार, जो आता है बसंतपुर राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में।
उम्मीद करते हैं ये विहार आपको ज़रूर पसंद आया होगा, और अगर आपके आसपास भी है इस तरह का प्यारा सा खूबसूरत सा विहार तो देर किस बात की, ये व्हाट्सअप नंबर, इसके ज़रिए आप आपकी विहार की जानकारी मुझ तक पहुँचाइए और हम आपके विहार को दुनिया तक। अगर आप छत्तीसगढ़ में रहते हैं तो छत्तीसगढ़ प्रमुख आशीष जी चौहान हैं, उनका भी नंबर समय समय पर इस पर स्क्रीन पर चलता रहता है, आप उनसे भी संपर्क कर सकते हैं। और ये विहार उन्हीं के प्रयत्नों से और यहाँ के उपासक उपासिकाएँ विहार समिति इनके सहयोग से ही हम आप तक पहुँचा पाए हैं। तो दर्शकों आज के लिए बस इतना ही, मुझे विक्रम को कैमरा पर्सन अश्विन जी के साथ दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे नए विहार में, तब तक आप बने रहे आवाज़ इंडिया टीवी के साथ और देखते रहे आपका मनपसंद कार्यक्रम अपना विहार अपनी आवाज़।